आप क्या कहेंगे भैया, बहुत देर से देख रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कहना क्या चाहते हैं कि जो सरकार चल रही यही तो संपूर्ण काम सुधार की ने एक मुद्दा कई मुद्दे सुधारे इसने गुंडा कौन से मुद्दे? अरे देखो कश्मीर मुद्दा सुधारा, हाँ। ये मोहम्मदनों वाला सुधारा जो अच्छा। मोहम्मदनों के तलाक वाला था, कई मुद्दे तीन तलाक सुधारे और जो है कई दुनिया के कार्यकाल में जितना सब गुंडागर्दी सभी कामों को सुधारा। भाजपा अच्छा। से अच्छी गवर्नमेंट कौन चला सकता और कौन चलाने वाला अब है? अखिलेश जी तो कह रहे हैं हम काम हमने किया, फीता काट रहे हैं। अखिलेश ने सब काम बिल्कुल जो किए वो सब भ्रष्ट हो गए। अच्छा। जो मोदी की सरकार में हो रहे काम वो सब एक नंबर के हो रहे हैं। क्या क्या हुआ है आपके क्षेत्र में? अरे हमारे क्षेत्र में क्या, जो विकास जो व्यवस्थाएं थी वो अच्छी चल रही। अब इतने कोरोना काल में आदमी सब किनारे हो जाता, मोदी ने ऐसी व्यवस्थाएं की जो आदमी का सुचारू रूप से दवा इलाज जो जितना हो सका वो सब हुआ। और ऐसे क्या हुआ? बाबा जी ने क्या किया ये बताइए, बाबा जी का जानना चाह रहे हैं हम। बाबा जी का तो विकास काल सही चल रहा, बाबा जी की तो देने ही हो रही। बाबा जी तो पूर्ण व्यवस्था सब संचालन सही करवा रहे हैं और क्या हो, नहीं अच्छा। सब काम भाजपा की गवर्नमेंट में अच्छा हो रहा। गुंडागर्दी कैसी है? गुंडागर्दी का हमेशा यूपी गुंडागर्दी अब खत्म है, गुंडागर्दी अब खत्म है। नहीं तो हर सबके कार्यकाल में गुंडागर्दी बराबर बनी रही। अखिलेश मायावती और कांग्रेस सबकी सर मायावती में रोक लगाया था लेकिन जितनी अब भाजपा गवर्नमेंट में लगी इतनी कभी नहीं लग पाई, कभी नहीं लग पाई, कभी नहीं। मायावती को देख रहे हैं कहीं पे इस चुनाव में? मायावती काम खत्म है, चुनाव देख उनका उनकी बिल्कुल सब बेकारी, उनका कोई नहीं। अखिलेश भैया का, अखिलेश भैया की सरकार चलेगी थोड़ा वही दल बगलू, मगर अखिलेश में कोई दम नहीं, सरकार कोई दम नहीं है ना। सर तो रहे दावे कर रहे हैं अभी से 350। वो दावा आप चाहे जितना करो 350 नहीं 400 कर दो, लेकिन सरकार हाँ सरकार बाबा जी की बनेगी चाहे जितना दुनिया का घुमा हुआ है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए डाउनलोड कीजिए रितम ऐप, ये आपको iOS और एंड्रॉइड पर उपलब्ध है। क्योंकि बाबा जी ने किया और करने के साथ आज भी करने के लिए लगे पड़े हैं कि आज क्या क्या न हो जाए, दुनिया की व्यवस्थाएं दुनिया की खड़ियां आज भी बाबा जी रच रहे हैं, तो बाबा जी की सरकार ही बनेगी। सरकार उसकी बननी जरूरी है जिस जो काम कर रहा हो, उसकी थोड़ी नहीं बननी जरूरी कि एक काम कर लिया बस कान में उंगली डाले बैठा है। तो इसलिए बाबा जी की सरकार बनेगी। बाबा जी आ रहे हैं मतलब? हाँ बाबा जी, गांधी प्रियंका गांधी सब उतर गए, राहुल गांधी प्रियंका गांधी इनका सबका काम खत्म है, बस वही फर्जी बल्ले बल्ले पीछे से होती रहेगी। अच्छा, कहते हैं राहुल गांधी लगातार युवा नेता है, हम युवा नेता है तो क्या हुआ, क्या युवा नेता हम कर दिया, क्या कर दिया आप ही बताएं। हम तो आपसे जानना चाह रहे हैं, कुछ बताएं। कुछ नहीं किया युवा नेता, युवा नेता में कौन से सरकार में कौन से युवा साथियों को नौकरी मिल गई, क्या हो गया, कुछ युवा सरकार में किया उन्होंने? केवल सब फर्जी के ड्रामे हैं, फर्जी के ड्रामे, सब फर्जी के ड्रामे। अच्छा। भाजपा गवर्नमेंट इस बार बाबा को लेके जाएंगे, बाबा को ले, बाबा आएंगे निश्चित, तुम कहीं भी देश थोड़ी नहीं जा रहे हो, आप भी देख लेना। अच्छा। बाबा आएंगे, आएंगे पक्का 100%, हम भी यही मिलेंगे, आप भी मिलना, बाबा यही आएंगे, यही आएंगे। क्या भैया कौन आएगा? बाबा आएंगे और क्या आएगा, बाबा ही आएंगे, कोई और नहीं। साइकिल है? साइकिल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? मुद्दा है योगी आएगा, योगी आएगा। क्या भैया? बाबा ने काम बहुत किया, आज भी काम में परेशान है, तो बाबा ही आएगा, बाकी जो सब ड्रामा है फर्जी। बाकी हमारा खुद कारोबार ऐसा है कि हम अखिलेश के सपोर्टर होना चाहिए, लेकिन अखिलेश की सरकार में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ सब। अच्छा अच्छा, एक चीज और, इनसे तो नाराजगी बहुत बताई जा रही है कि कभी बताया जाता है हिंदू मुस्लिम करते हैं या मुस्लिम विरोधी सरकार है। कुछ नहीं है, वो सब फर्जी ड्रामा है। 90% मुस्लिम भी वोट देगा बाबाई को, बाबा को ही वोट है, बाबाई को देगा, अखिलेश को, सब फर्जी ड्रामा है। बाबा के अंदर इतना दिमाग है, एक ने कैसे मुद्दा व्यवस्था बनाए रहते कि मुस्लिम सब घूम के अपने आप आ जाएगा और बाबा की सरकार बनेगी। बीजेपी वाले सिर्फ दंगा कराते हैं, बीजेपी वाले दंगा नहीं कराते, बीजेपी वाले हर काम को लेके चलते। दंगा कौन सा दंगा करा दिया बीजेपी वालों ने, किसको मरवा दिया? अब तो जनता बताएगी, जनता तो बता रही, जनता सब ओके है, जाएगी भाजपा में। किसान नाराज बैठे हैं, किसान नाराज कुछ नहीं, किसान वही सब टेम्परेरी, वो सब टेम्परेरी काम है, बाकी अपने यूपी का कोई किसान नहीं नाराज है, कोई तो कह रहे पूरी यूपी के किसान, पूरी यूपी का कोई किसान नहीं,
सब अपने यहाँ का किसान सब खुशहाल है, केवल सब ऑल टोटल। क्या भैया, 2000 रुपए मिल रहे किसानों को? क्या वो तो कह रहे हैं किसान नाराज बैठे, किसान हैं। खाली पंजाब एक नाराज है, बाकी अपने यहाँ के नहीं नाराज है। अच्छा, कह रहे हैं पश्चिमी यूपी के तो सारे किसान साथ है, पूरे यूपी के साथ है? यूपी के नहीं साथ, वो तो खाली वो है जी। आप क्या कहेंगे? नहीं भैया, बाबे आएंगे और क्या कहेंगे, नाराज बैठे हैं किसान भी। किसान किस बात पे नाराज, यूपी का किसान कोई नाराज ही नहीं, यूपी का कहाँ दिल्ली में किसान है कोई, है तो सब पंजाब का ही। यूपी के लिए तो फायदा है, फायदा है और क्या। अच्छा, पर ये तो कह रहे किसान विरोधी कानून लेके आई है बात। किसान विरोधी हो ही नहीं सकता, कि किसान सबसे ज्यादा योगी को चाहिए रहा है। अच्छा, कि उसको पैसे मिल रहे हैं साल के, आदमी हर चीज तो व्यवस्था है उसकी मिल रही, किसान का फायदा होगा इसमें भाई। विरोध तो इसलिए वो कर रहे हैं कि उनका फायदा कम नजर आ रहा है, यहाँ के किसानों को ज्यादा फायदा नजर आ रहा है बाबा सरकार में। तो किसान क्यों ना, शिकायत भी कह रहे हैं बाबा को भेज के रहेंगे इस बार हटा के, वो जिंदगी में नहीं भेज पाएंगे, वो खुद ही चले जाएंगे। अच्छा, और बाबा को नहीं भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे, नहीं भेज पाएंगे। आप क्या कहेंगे भैया? कोई नहीं भेज पाएगा, कोई नहीं भेज पाएगा।